दोस्तों, कैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है और ड्रैगन फ्रूट की खेती किस जगह की जाती है और ड्रैगन फ्रूट की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए, और क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के जूस को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, बात करें कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है, तो आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ गर्म और सूखे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, जो कि लगभग 7 से 8 पीएच मान वाली मिट्टी होनी चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। इसके बाद पौधे को उगाने के लिए ड्रैगन फ्रूट के बीज या उसके पौधे का दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधे को लगाकर उसे बड़ा करना काफी बेहतर होता है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए उसके पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पैदावार होने में करीबन 2 साल का समय लगता है। वहीं अगर आप इसके बीज का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती कम से कम पानी में की जा सकती है। सर्दियों के समय में इसकी सिंचाई महीने में 2 बार की जाती है, लेकिन गर्मियों के समय में इसकी सिंचाई दिन भर में 8 से 12 बार की जाती है, जिसका बखूबी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफी समय बाद फल देता है और फल इसके बड़े अच्छे होते हैं। वहीं इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए खाद की बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छी खाद जैविक खाद होती है। इस खाद में 10 से 15 किलो गोबर और 50 से 70 ग्राम की मात्रा मौजूद रहती है, और इस खाद को मिट्टी में मिलाकर पौधे की रोपाई से पहले इसे गड्ढे में भरकर इसकी सिंचाई की जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के दौरान इन पौधों की काफी ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है, और जब इन पौधों में फल तैयार हो जाते हैं तब बारी आती है इन फलों को तोड़ने की। इस फल को तोड़ने से पहले ट्रेन वर्कर अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कांटा ना घुस जाए, और इस फल को तोड़ने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है और तोड़ने के लिए एक खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। सभी फल को एक एक करके तोड़कर इन्हें कैरेट में रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रैक्टर की मदद से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। अब बारी आती है फैक्ट्री में ड्रैगन फ्रूट का जूस कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि बड़े बड़े पेड़ों से फल को तोड़ने के बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रैक्टर की मदद से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद इन्हें वर्कर की सहायता से इन सभी ड्रैगन फ्रूट को अंदर लाया जाता है। अंदर लाने के बाद इन्हें कैरेट के साथ ही कन्वेयर बेल्ट पर रखकर पानी के प्रेशर से इन्हें साफ किया जाता है। 2 से 3 बार पानी से साफ करने के बाद इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है, जिसमें वर्कर्स द्वारा खराब फल को और अच्छे फल को अलग अलग कर दिया जाता है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, और अच्छे फलों को एक कैरेट में रख दिया जाता है। अब इसके बाद उन कैरेट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर ले जाते हैं, और उसके बाद एक ओजोन जनरेटर मशीन में कैरेट सहित उन्हें रख दिया जाता है ताकि ड्रैगन फल में लगे बैक्टीरिया और वायरस अच्छी तरह से साफ हो सके। ओजोन जनरेटर मशीन में फलों को कुछ समय के लिए रखा जाता है और समय पूरा होने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है और दूसरे प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट में भेजा जाता है। अब देखिए, फ्रूट को छीनने के लिए बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ी देती है। इसके लिए वर्कर्स अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और सभी फलों को अच्छे से छीलने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, और काटने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लगी बड़ी बड़ी मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और उन सभी ड्रैगन फ्रूट का रस निकाल लिया जाता है। अब देखिए, जूस में चीनी अच्छी तरह से घुल जाने के बाद बारी आती है जूस को पेस्चराइज करने की, और इस प्रोसेस में जूस को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और गर्म होने के बाद उसे निकाल कर तुरंत फ्रीजर में डालकर एकदम ठंडा कर दिया जाता है। और इसी वजह से कोई भी लिक्विड चीज जब फैक्ट्री में तैयार की जाती है तब उसे पेस्चराइज जरूर किया जाता है ताकि डिफेक्टेड ना हो पाए। तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना।